ये भी रहता है आपके, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग जो है एरियाज रहते हैं, तो वो एरियाज कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है आपका, ये बहुत सारे बार्स बने हुए यहाँ पर, राइट। तो ये आपका जो है वो रैशनल रोज अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड मतलब कि इस फाइल को, इस जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे को आपने कोई भी नाम बिल्कुल भी अभी नहीं दिया है, इसलिए अनटाइटल्ड है। और डैश लगाकर यहाँ पर क्या लिखा है, जो डायग्राम आपने एट करंट चूज कर रखा है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आप रैशनल रोज ओपन करते हैं तो समटाइम्स तो आपकी नॉर्मल स्क्रीन आती है, लेकिन समटाइम इट हैपेंस दैट कि बाय डिफॉल्ट आपका जो क्लास डायग्राम है वो ओपन रहता है, ठीक है। जो क्लास डायग्राम है वो ओपन रहता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्लास डायग्राम लॉजिकल व्यू स्लैश वेलकम, मतलब हर चीज साथ में, क्या आप क्लास डायग्राम पे काम कर रहे हो उसका लॉजिकल व्यू है अभी, और आप वेलकम मतलब कि आप जो भी काम करो उसके लिए वेलकम। तो जैसे आपके नॉर्मल मेन्यू बार रहता है वैसे ही ये फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट ब्राउज रिपोर्ट क्वेरी टूल्स एडिंस विंडोज हेल्प सब चीजें। अब आपको सपोज यूज केस डायग्राम बनाना है तो ब्राउज में जाके ऑप्शन आएगा, ब्राउज पे जाके आप क्लिक करोगे और वहां पर आपको ऐड डायग्राम का ऑप्शन आएगा, और ऐड डायग्राम से आप ऐड कर सकते हो किसको, क्लास डायग्राम को, ठीक है, या कोई दूसरे डायग्राम को, यूज केस डायग्राम को, क्लास डायग्राम तो ऑलरेडी है। अब अपने को तो अभी ये चीज समझना है, अदर डायग्राम की अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपने को सिर्फ इस विंडो का समझना है कि इतनी बड़ी विंडो है तो इस विंडो को बोलते क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो आपका ही सबसे ऊपर होता है, स्टैंडर्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, आप जब भी एरो पर उस पे एरो पे एरो को वहां पर लेकर जाएंगे तो आपको पता है, आपको स्पेसिफिकेशन जो है वो पता चल जाती है, हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता है, कॉपी के लिए ऑप्शन होता है, फिर अंडू रीडू के लिए ऑप्शन होता है, सेव के लिए ऑप्शन होता है, फिर कट कॉपी के लिए होता है, फिर प्रिंटिंग के लिए होता है, डायरेक्ट बहुत सारे ऑप्शंस जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड टूल बार पे अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डायग्राम टूल बॉक्स। तो डायग्राम टूल बॉक्स मतलब ये पर्टिकुलर बॉक्स, कौन सा, जिसमें आपको ये बना हुआ दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर एरो एबीसी दिस 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 दिस। पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो डायग्राम टूल बॉक्स रहता है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, आपका डायग्राम चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग उसका टूल बॉक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो टूल बॉक्स पे टूल्स हैं वो क्लास डायग्राम के हैं, राइट। लेकिन यदि आप यूज केस डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर एक्टर दिखने लग जाएगा, एक वो ओवल शेप दिखने लग जाएगा, सिस्टम की बाउंड्री दिखने लग जाएगी, यहाँ पर आपको चीजें डिफरेंट दिखाई देगी। क्या आपको मेरी बात आ रही है समझ में? यस मैम, अकॉर्डिंग टू यस मैम, दिस डायग्राम यहाँ पर उसका टूल बॉक्स भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मैं बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, अभी लाइव भी करके बता दूंगी आपको लास्ट 5 मिनट्स में। फिर उसके बाद आपका आता है ब्राउजर। तो ब्राउजर जो होता है वो लेफ्ट साइड में है, मैं आपको मार्क करके बता दूं, क्लियर हो रहेगा आपको, है ना। देखो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, दिस वन, दिस इज अवर स्टैंडर्ड टूल बार, दिस इज अवर टूल बॉक्स, ठीक, ये हमारा डायग्राम का टूल बॉक्स है। उसके बाद ये जो है हमारी, दिस इज दी ब्राउजर विंडो। ब्राउजर विंडो में आपको ये पता चलेगा कि आप किस व्यू पे काम कर रहे हो, यूज केस व्यू, लॉजिकल व्यू, कंपोनेंट व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, अभी जो हमने व्यूज पढ़े ना वो, और सभी को आई थिंक ये प्लस साइन का मतलब तो पता है, कौन बताएगा प्लस साइन का मतलब या माइनस साइन का मतलब? मतलब इसके भी सब फोल्डर्स है। यस, प्लस साइन मतलब जब आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, प्लस साइन पे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ लिखा है तो उसकी फर्दर हायरार्की जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी, और जब आप एक एक को माइनस माइनस करते जाओगे तो वापस से वो फिर उसके रूट पर आ जाएगा, ठीक है, उसकी डेप्थनेस जो इतनी कम होती जाएगी, ठीक। तो आपका ये एक चीज हो गया। फिर आपका क्या है इसमें एक और, वेट अ मिनट, उसके बाद आपका है डायग्राम विंडो। डायग्राम विंडो मतलब ये बड़ी वाली विंडो जो पूरे राइट साइड में आ रही है, ये पर्टिकुलर विंडो, ये वाली पूरा खाली स्पेस जो है एरिया। तो यहाँ पर आप यहाँ से उठाएंगे एक एक चीजों को, एंड यू विल ड्रैग ड्रॉप हियर, यहाँ से उठाएंगे एंड यू विल ड्रैग ड्रॉप टू योर डायग्राम विंडो। तो डायग्राम विंडो वहां वो है जहां पर आपका डायग्राम बनता है। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन विंडो। तो डॉक्यूमेंटेशन जो विंडो रहती है वो यहाँ पर रहती है लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, जो आपका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन विंडो। तो यहाँ पर इसमें आपको
खुद से भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो और डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट भी रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द रैशनल रोज, देन पर्पस ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज दिस दिस दिस, अभी तो ये डिफॉल्ट शो कर रहा है, लेकिन आप अपना खुद का भी डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका स्पेसिफिकेशन और लॉग विंडो, दो बचा है अब, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन जो आपके होते हैं, स्पेसिफिकेशन जो है थोड़ा सा अलग होता है इसमें, क्योंकि ये इसके डॉक्यूमेंटेशन विंडो के साथ ही कभी कभी शो हो जाता है। और हमारा जो ये लॉग विंडो है, लॉग मतलब कि एट अ टाइम आप कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, स्विच करने के हिसाब से। वो देखो यहाँ पर ये एक लॉग खुला हुआ है नीचे आपके भी कॉर्नर पे, आई डू नॉट नो कितना आपको विजिबल है ये, तो ये लॉग एक यहाँ पर है, वैसी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जैसे वर्कशीट्स होती हैं अलग अलग एमएस एक्सेल में, उसी टाइप की अलग अलग लॉग विंडोज होती है कि किस तरह से आपने किस प्रोजेक्ट पर आपने लॉग इन करके रखा है। क्योंकि जब मैं इसमें पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, आप इसमें जैसे .NET में अलग अलग प्रोजेक्ट बनते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो, और हर प्रोजेक्ट मे कंटेन ऑल द टाइप ऑफ डायग्राम्स, एवरी प्रोजेक्ट कैन कंटेन ऑल द टाइप ऑफ दी डायग्राम। तो इस सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये एक मिनिमम जो है आपके, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ होता है, डायग्राम टूल बार क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, देन एवरीथिंग एल्स मैंने आपको इसलिए हर चीज डिटेल में बता दी। क्लियर है आपको सबकी पोजीशंस एंड लोकेशंस, क्लियर है आपको? यस मैम। इट इज अबाउट विजुअल, आप यदि आपने देखा होगा स्क्रीन पर तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। चलिए अब रैशनल लॉज इंटरफेस, अब एक एक चीज को अपन इसमें ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से। द रोज स्टैंडर्ड टूल बार, पहली चीज द रोज स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो टूल बार है आपका, ये जो है इट इज लोकेटेड नियर टॉप ऑफ द विंडो, है ना, उसके नीचे आ रहा है, आपने देखा ही होगा। एंड इट इज ऑलवेज डिस्प्ले, आप कोई सा भी डायग्राम यूज करो ये हमेशा डिस्प्ले होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट डायग्राम। करंट डायग्राम चाहे यूज केस हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे कोलैबोरेशन हो, कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, हमेशा ये टूल बार जो स्टैंडर्ड टूल बार है हमेशा फिक्स रहेगा और ये ऑलवेज डिस्प्ले होगा। While in rows, place your cursor over the toolbar to display a tool tip for the icon. जैसे मैंने अभी बताया कि आप कर्जर पे लिख, मतलब जिस भी पर जैसे सेव का ऑप्शन है वहां पर आप अपने कर्जर को लेके जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा इट इज यूज फॉर सेविंग और इट इज यूज फॉर प्रिंट आउट, ऐसा एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में सब जगह ही होता है ऐसा, कि आप जहां पर लेके जाते हो कोई एम एस वर्ड की फाइल है वहां लेके जाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी अपने को दिखने लग जाती है, किसने बनाया है, कब बनाया है और कितने साइज की है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes? Okay. तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। फिर आपका ब्राउजर, ब्राउजर कहाँ पर था कौन बताएगा, कहाँ था ब्राउजर, कौन बताएगा ब्राउजर कहाँ पर था? किसी को भी नहीं बता ब्राउजर विंडो कहाँ पर थी? नेविगेशन टूल अलाउ यू टू व्यू द नेम्स एंड द आइकन्स रिप्रेजेंटिंग द डायग्राम्स एंड द मॉडल एलिमेंट्स। अभी मैं बताऊंगी जब अपन करेंगे ना ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और प्लस साइन क्या डिनोट करता है, प्लस साइन कि next to an icon indicate the item is collapsed and the additional information is located under the entry, ठीक है ना, आप जैसे ही plus plus करते जाओगे उसकी under entry आपको दिखने को मिल जाएगी और tree जैसा expansion जो है वो होते जाएगा जैसा folders में होता है। और वैसे ही इसका opposite conversely the minus sign indicate the entry is fully expanded, मतलब एक बार minus minus आते गए मतलब expansion होते गए, फिर आप जब minus minus को click करोगे तो वो वापस से कम कम होते उसकी leveling कम हो जाएगी, वापस वो मेन लेवल पे रूट लेवल पर आ जाएगा। इफ द ब्राउजर इज नॉट डिस्प्ले, यदि मतलब सपोज ऐसा करो कि बाय डिफॉल्ट यदि ब्राउजर नहीं होता, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स अलग अलग होती है, पर आपको ब्राउजर देखना है तो आप ब्राउजर को क्या कर सकते हो, व्यू मेन्यू में जाकर ब्राउजर को सिलेक्ट करोगे, आप व्यू पे क्लिक करोगे, वहां पर ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, ब्राउजर पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे तो अपने आप अपनी लेफ्ट साइड वाली अपर पोजिशन पे जाके आपको दिखने लग जाएगा। क्लियर है ये चीज,
यस मैम। ओके, अब डायग्राम विंडो, तो डायग्राम विंडो क्या होता है? ये एक बड़ी सी विंडो होती है जो ब्लैंक स्पेस होती है, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट टूल बॉक्सेस, जो डायग्राम के टूल बॉक्सेस, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना डायग्राम बना सकते हो। मतलब ये खाली एरिया होता है जहां पर आप ड्रॉइंग का, ड्रॉइंग के लिए आप यूज करते हो। फिर डायग्राम टूल बार क्या होता है? ये डायग्राम टूल बार, जैसे मैंने बताया, ये फिक्स नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डायग्राम, डायग्राम टूल बार के जो टूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये इट इज यूनिक टू ईच डायग्राम टाइप एंड कैन बी कस्टमाइज। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है ये, और हर डायग्राम के लिए टूल बार अलग होता है। बट एक और चीज, ये तभी एक्टिव होगा जब आप उस पर्टिकुलर डायग्राम पे काम कर रहे हो। यदि आप उस पर्टिकुलर डायग्राम पे, वर्किंग डायग्राम एरिया पे काम नहीं करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा यूज, राइट? फिर इट मे बी विजिबल और हिडन, डॉक्ड और फ्लोटिंग, कुछ भी हो सकता है। आप इसको, मतलब इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हो। मैं बताऊंगी, सब कुछ करके दिखाऊंगी कि विजिबल कैसे करेंगे, इसको हाइट कैसे, हाइट तो करने का काम ही नहीं, क्योंकि हाइट कर दोगे तो टूल ही नहीं दिखेंगे, तो बनाओगे क्या? फिर भी इसमें ऑप्शन होते हैं, डॉक करने का, मतलब उसको अलग अलग जगह पे फिक्स करने का। फिर फ्लोट फिक्स कब करोगे? जब आप उसको फ्लोट कर पाओगे। जैसे आपने देखते ना कि जो स्टार्ट मेन्यू होता है विंडो, जो हमारे टास्क बार होता है हमारे डेस्कटॉप पर, वो हम कभी वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, तो हम उसको फ्लोट कर सकते हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं। वैसे सिमिलर में ये टूल बॉक्स भी होता है, इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब एज विद द स्टैंडर्ड टूल बार, प्लेसिंग योर कर्सर ऑन एन आइकन डिस्प्लेस द टूल टिप। सेम चीज कि इस, यदि आपके डायग्राम से रिलेटेड 10 टूल्स हैं उस टूल बार के अंदर, तो आप जिस भी उसके आइकन पर उसको लेके जाओगे, वो क्या करता है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको टूल टिप से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, टूल बार फॉर क्लास डायग्राम, तो आपको क्या करना है, आप इसको, जैसे ये एरो है, जैसे मैं यहाँ पर, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, जैसे मैं इस टूल बॉक्स के उस आइकन पे लेकर गई तो मुझे दिख जाएगा कि इट इज अ पॉइंटर। इसके बाद में जैसे ही लेके गई एबीसी, तो आपको दिख जाएगा दिस इज फॉर टेक्स्ट। फिर मैं इसके नेक्स्ट लेके गई तो दिस इज फॉर नोट, आपको कोई कमेंट देना हो, आपको कोई एडहॉन उसके बारे में डिटेल बता दो। क्योंकि देखो, हमने क्या पढ़ा है कि इन डायग्राम्स वी शो ओनली द एसेंशियल डिटेल्स, हम सिर्फ काम की चीजों को शो करते हैं। तो हमें यदि उसके अलावा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शो करनी है, तो हम उसके लिए नोट का यूज कर सकते हैं। फिर आपका आता है नोट एंकर, नोट को अटैच कैसे करोगे, तो ये डैश जो लाइन से अटैच करोगे, इसको बोलते हैं नोट एंकर। फिर आपकी क्लास, क्योंकि क्लास डायग्राम है तो क्लास तो बननी चाहिए। अब आपको ये तो पता ही है कि क्लास ब्लॉक जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। आपका जो क्लास ब्लॉक होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन, देन मिडिल वन इज टू, एंड द लास्ट वन इज थ्री, वन टू एंड थ्री, थ्री पार्ट में डिवाइडेड। सबसे पहले होता है क्लास का नाम, फिर उसके बाद होते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स, और लास्ट में होते हैं क्लास के ऑपरेशंस, मतलब मेंबर फंक्शंस। मैं बताऊंगी डिटेल में जब अपन क्लास डायग्राम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है इंटरफेस, फिर आपका होता है एसोसिएशन की लिंक, यदि एसोसिएशन रिलेशनशिप है दो क्लासेस के बीच में, तो दिस इज एसोसिएशन क्लास, यदि एक क्लास दूसरी क्लास से एसोसिएटेड है इन सम वे। फिर पैकेज आपको शो करना हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चार या पांच क्लास कंबाइन इन फॉर्म ऑफ पैकेज, और आपको अपने डायग्राम को छोटा बनाना है, तो उसको आप पैकेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप पैकेज का यूज कर सकते हो। फिर दिस एरो शोज द डिपेंडेंसी, दिस शोज द जनरलाइजेशन, और इसका जो सेकेंड वाला एंड रहेगा वो स्पेशलाइजेशन शो करेगा, एंड दिस शोज द रियलाइजेशन। किसी को पता है रियलाइजेशन क्या होता है इन सी प्लस प्लस? रियलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई बता सकता है कि इस रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? जैसे एसोसिएशन का मीनिंग होता है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। जैसे जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, फाइव व्हीलर, जनरलाइज क्लास और उसकी स्पेशलाइज क्लास। तो ऐसा कोई बता सकता है कि रियलाइजेशन क्या होता है? एनीबडी? चलिए, आप मेरी नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे तो मेरी कोई क्लास नहीं है, मंडे को डायरेक्टली क्लास है, तो आप मंडे को ये चीज का मुझे आंसर देंगे कि वॉट इज रियलाइजेशन, है ना? थोड़ा सा खुद भी पढ़ो, इट्स वेरी गुड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि जब आप कुछ नया पढ़ते हो तो आपको दो चार चीजें और नई मिल जाती है, तो आपका नॉलेज ही बढ़ता है उससे। तो मैं हर एक स्टूडेंट जो मेरी क्लास में प्रेजेंट रहेगा, उससे मैं पूछूंगी कि मतलब क्या है रियलाइजेशन का। क्लियर? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब टूल टिप क्या होते हैं, कैसे हम किसी टूल पर अपने
कर्सर को लेके जाते हैं तो उसकी टिप वो क्या काम करेगा हमें पता चल जाता है। नाउ रैशनल रोज इंटरफेस इट्स स्पेसिफिकेशन विंडो, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं रिकैप करवा देती हूँ। हमने पढ़ लिया टूल बार, हमने पढ़ लिया ब्राउजर, हमने पढ़ लिया डायग्राम की विंडो, हमने पढ़ लिया डायग्राम का टूल बार, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकेशन विंडो। ये स्पेसिफिकेशन विंडो जो होती है, राइट क्लिक ऑन द यूज केस व्यू पैकेज एंड ओपन स्पेसिफिकेशन, मतलब जब हम प्लस साइन को और उसको मतलब जब ट्री को एनलार्ज करेंगे तो आपको उसका और स्पेसिफिकेशन जो विंडो है वो देखने को आपको मिलती जाएगी। इट इज अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडल एलिमेंट दैट अलाउ यू टू व्यू एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी में, बताऊंगी इसको कैसे करते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आप उसका जो टाइप है वो बदल सकते हैं। ठीक है, नोट दैट इन्फॉर्मेशन एडेड टू द डॉक्यूमेंटेशन विंडो इज ऑटोमेटिकली एडेड टू द डॉक्यूमेंटेशन फील्ड इन द स्पेसिफिकेशन विंडो। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको खुद नहीं लिखना पड़ता, जैसे हम जो भी डॉक्यूमेंट का काम करते हैं वो हमें खुद की जरूरत नहीं है करने की, आप जैसे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे, जैसे जावा में नहीं होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो कोडिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती है, उसकी आपको कोड नहीं करना पड़ता है। सिमिलर मैनर में ये कॉन्सेप्ट भी वैसा है कि आप जैसे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओगे उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। और लास्ट में आपका लॉग विंडो, तो लॉग विंडो जो है जैसे मैंने बताया एकदम बॉटम में लेफ्ट साइड में होता है, और रिपोर्ट प्रोग्रेस रिजल्ट्स एंड एरर्स, जो भी प्रॉब्लम होती है हम कोई गलत कर रहे हैं तो हमें वहां पर बताता है लॉग विंडो में हमारे उसमें, मतलब लॉग विंडो एक ऐसी विंडो होती है जिसमें हमारे मतलब सिस्टम से रिप्लाईज आते हैं, और उसके बाद राइट क्लिक ऑन द लॉग विंडो टू सी अवेलेबल एक्शंस, मतलब इसमें भी बहुत सारे फर्दर मतलब पॉइंट्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, तो आप वो राइट क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अभी हमने ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट स्क्रीन होती है रैशनल रोज की, इसको हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, जो रैशनल रोज की हमारी मेन स्क्रीन है। तो किसी को भी इस मेन स्क्रीन में कोई डाउट है? एनी बडी? आपको ब्राउजर क्लियर है, आपको डॉक्यूमेंटेशन विंडो क्लियर है, लॉग विंडो क्लियर है, स्टैंडर्ड टूल बार आपको क्लियर है, आपको डायग्राम टूल बार क्लियर है, आपको डायग्राम विंडो क्लियर है, आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर है। स्पेसिफिकेशन आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ आएगा? यहाँ पर, जब आप इस प्लस साइन को करोगे और जब यहाँ पर इस प्लस साइन के फर्दर ट्री बनेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी ट्री को राइट क्लिक करके उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो देख सकते हो। ठीक है, देखो अभी ओरल बताने में और जब आप टूल पे काम करोगे वो बताने में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक काम करती हूँ मैं, अभी तो बहुत बड़ा है ये, अपने को इतनी जल्दी अभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। व्यूज अभी बस इसमें लास्ट टॉपिक यही बचा है कि आपको व्यूज को डिटेल में पढ़ना है, एक एक व्यू को डिटेल में पढ़ना है और उसके एक एक डायग्राम देखोगे। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मैं बोली थी। देखो जैसे यहाँ पर डायग्राम जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? कंपोनेंट डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ये जो टूल बॉक्स आया है वो कंपोनेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, दिख रहा है आपको चेंज होते हुए? वैसे ही सिमिलरली yes, यदि आपका जैसे देखो ये कोई डायग्राम है, यहाँ पर तो है ही नहीं, हिडन कर रखे रखा हुआ है। जैसे ये यूज केस डायग्राम है, देखो यहाँ पर जितने भी डायग्राम टूल बॉक्स में जो टूल है वो सारे यूज केस डायग्राम से रिलेटेड टूल है, मतलब आपका डायग्राम टूल बार अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ डायग्राम चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। और देखो लेफ्ट साइड देखो ये आपका यूज केस व्यू है, अभी यहाँ पर माइनस साइन क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप डेप्थ में जा चुके हो, आपको डेप्थ में ये चीजें देखने को मिल रही है। आप जैसे ही इसको माइनस पे वापस से क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये वाली सारी चीजें इनविजिबल हो जाएगी। आपको ये वाला फंडामेंटल भी क्लियर हो गया? यस मैम। सयम। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, अब यहाँ पर अब आपको क्या मैं जो बताना चाह रही हूँ ये है कि आपको स्पेसिफिकेशन पे जाना है। तो ये मेन पे जब आप क्लिक करके इस पे राइट क्लिक परफॉर्म करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जहां पर आप स्पेसिफिकेशन को फर्दर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकल व्यू को डिटेल देख सकते हो, कंपोनेंट व्यू का डिटेल देख सकते हो, हर उसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हो। तो कहने का बस ये पॉइंट है कि आपका जो ये डायग्राम टूल बॉक्स है ये अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डायग्राम चेंज हो जाता है। और आपको सपोज ब्राउजर विंडो दिखाई नहीं देती है तो व्यू पर जाएंगे और ब्राउजर विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे तो ब्राउजर विंडो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद से आपको दिखने लग जाएगी। आई होप
that I was able to explain you. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है आपको what I tried to explain you today? आपको क्या clear है ये चीज? आपको इसपे कोई doubt तो नहीं है? No, ma'am. पक्का sure about it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने भी मतलब 28-29 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, anybody having any doubt, मैं फिर पूछ रही हूँ. देखो मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये तो बेसिक है आज जो पढ़ाया है. यदि बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं क्लियर होगा. इफ बेसिक इज नॉट क्लियर तो फिर तो मतलब इसका मतलब बेसिक जो है वो क्लियर होना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलिए मैम. हाँ बोलो. Then diagram toolbox change according to the our diagram selection, na? Yes. Like use case diagram or component diagram we are using in. हाँ. देखो, ये मैंने star UML मेरे computer में है. मैंने इसको डाला है अभी. देखो यहाँ पर window पे by default देखो यहाँ पर भी same वही चीजें हैं. थोड़ा देखो rational rows एक अलग standard है तो वहाँ पर अलग use होता है, थोड़ा अलग दिखता है. बाकी है देखो यहाँ पर ये टूल बॉक्स यहाँ पर शो होता है. दिस इज डायग्राम टूल बॉक्स, दिस इज योर ब्राउजर विंडो. ठीक है, यहाँ पर आपका लॉग बॉक्स जो है वो इधर आ गया. देखो मतलब हर जगह ये अलग अलग हो गया है आपका. ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरह से ना अकॉर्डिंगली चेंज तो होता ही होता है. तो उतना बॉदर ना करें. अपन जब स्टार यूएमएल पढ़ेंगे तो आपको इतना तो शोरूम है कि आपको समझ तो आ जाएगा. देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मॉडल पर गए, एड डायग्राम पर गए और आपने यहाँ पर सपोज यूज केस डायग्राम को सिलेक्ट किया. तो देखो यहाँ पर क्लास इंटरफेस दिख रहा था, अब यहाँ पर पैकेज यूज केस एक्टर फ्रेम ये दिखने लग गया. ये बीच वाली आपकी डायग्राम की विंडो है और बाकी सब एज इट इज है आपका. दिखाई दे रहा है वैसे ही आप वापस से मॉडल पे जाएंगे, एड डायग्राम करेंगे और आप सपोज स्टेट चार्ट डायग्राम पे क्लिक करेंगे. तो देखो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे आप कर सकते हो इसको. देखो इनिशियल स्टेट आपने ली ऐसा और यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से. फिर आपने यहाँ पर स्टेट बनाई, मतलब जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये फ्लो चार्ट बन गया. फिर आपको इसको क्लोज करना है तो आप इसको फाइनल स्टेट करके ऐसे क्लोज कर सकते हो. मतलब यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. अब देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो राइट साइड में देखो अपने आप ये एड हो गया. यूज केस डायग्राम वन, उसमें फिर स्टेट मशीन मैंने लिया स्टेट डायग्राम और ये देखो स्टार्ट स्टेट और ये अपने आप आ गई फाइनल स्टेट. आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, एल्स इट विल कम खुद से ही आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. यस मैम. हम जब इसको पढ़ेंगे ना आपको अपने आप समझ में आएगा. और कुछ नहीं करना है, एक फाइल पर जाना है और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन चूज करना है या सेव का ऑप्शन चूज करना है और हमारे प्रोजेक्ट को फिर बता रही हूँ हमारे प्रोजेक्ट को सेव करना है. देखो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो सेव होगा ना पूरा की पूरा प्रोजेक्ट होगा. और आपको सपोज पूरा की पूरा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ इसकी इमेज चाहिए. तो इमेज के लिए फिर फाइल पर जाना पड़ेगा आपको और यहाँ पर इसमें एक्सपोर्ट डायग्राम एस जेपीजी. तो सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर डायग्राम जेपीजी इमेज में सेव हो जाएगा जो आपको फाइल में लगाना रहेगा. ठीक, चलिए बाकी अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बस मुझे इतना बता दीजिए कि ऐसा स्टूडेंट तो कोई नहीं आया है अभी